दिस इज अपूर्वा एंड यू आर वॉचिंग टू माय चैनल क्वीन ऑफ होम। तो गाइज आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो एक सोल्यूशन वीडियो है। जी हाँ, हम सबकी स्किन प्रॉब्लम जैसे कि टैनिंग, पिंपल्स के बाद जो कि एक्ने के जो भी डार्क स्पॉट है उसे कैसे रिमूव करें घर पर रहते हुए होम रेमेडी से, नेचुरल तरीके से। तो है एज अ सोल्यूशन कि मैं बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपके लिए 4 फेस पैक लेके आई हूँ जो आपकी अलग अलग प्रॉब्लम्स को अच्छे से ट्रीट करेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे इन्ग्रीडियंट्स के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे खुद के किचन में। जी हाँ, जहाँ पर हम अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वहीं पर ये छोटी छोटी चीज़ें रखी होती हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है, बट हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं। बट हमारी स्किन का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अभी इन सब का ध्यान नहीं रखोगे तो धीरे धीरे आपकी स्किन में रिंकल्स होते जाएंगे, डार्क स्पॉट्स होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वो कभी कम नहीं होंगे। और इनका सबसे अच्छा तरीका है कि आप नेचुरल चीज़ों को ट्राई करें। आप बाज़ार की चीज़ें ट्राई करेंगे, कुछ टाइम के लिए आपको टेम्परेरी इफेक्ट्स दिखेंगे बट फिर से वो सब विजिबल हो जाएगा। तो मैं जो तरीके आपके बता रही हूँ आप वो आजमाएंगे तो आपको बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा इसमें और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 4 फेस पैक हैं, उसके साथ मैं जो भी उसमें मिला रही हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट्स, उन सब के बेनिफिट्स भी आपको बताती जाऊंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चंस ना रहे माइंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है हल्दी, टर्मरिक, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि मैं क्यों हल्दी पिक कर रही हूँ इन सारे फेस मास्क के लिए कॉमन चीज़ के रूप में। तो गाइस जो हल्दी है ना, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल भी होती है हल्दी, एज वी ऑल नो, चोट पर भी लगाई जाती है। तो आपके स्किन से बैक्टीरिया हटाता है जिससे आपके जो भी पिंपल्स हैं ये सब आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंडली ये क्या करता है, आपके स्किन को ग्लोई बनाता है। और अगर आपके चेहरे से चमक चली गई है तो आप इसका डेली यूज़ करोगे एक अप्रोप्रिएट मात्रा में तो आपकी ग्लो अच्छे से वापस आ जाएगी, आपके डार्क स्पॉट्स कम हो जाएंगे। तो हल्दी के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं जितनी बोलती जाऊँगी वो लिस्ट लंबी होती जाएगी। तो जल्दी से मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सी हल्दी यूज़ करनी है। सबसे अच्छी हल्दी होती है कच्ची हल्दी, अगर आपको मिल जाए तो। कच्ची हल्दी को आपको ग्रेट करके भी आप यूज़ कर सकते हो या उसका रस निकाल के भी आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर कच्ची हल्दी नहीं मिल रही है तो सेकेंड ऑप्शन मैं बोलूँगी कि आप किसी भी किराना स्टोर पर जाके जो खड़ी हल्दी सूखी वाली मिलती है उसे लेकर आप पिसवा सकते हो, क्योंकि वो प्योर होती है। और कच्ची हल्दी तो एकदम प्योरेस्ट है, वो भी प्योर है बट वो ड्राई है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं है तब आप वो पाउडर हल्दी यूज़ कर सकते हो जो आपके घर में आती है, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो मेरा थर्ड ऑप्शन है। तो सबसे पहले हल्दी आपको प्योर फॉर्म में लेनी है जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो गाइज हमारा पहला फेस मास्क है ग्लोइंग स्किन फेस मास्क। तो इसके लिए आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, पहला एज वी ऑल नो हल्दी है और दूसरा है दही। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके स्किन के ग्लो के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको एक बोल में लेना है 1.5 चम्मच दही और उसमें ऐड करना है 3 पिंच हल्दी पाउडर। उन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है, फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है। अगर आप कच्ची हल्दी यूज़ कर सकते हो तो आप 1 इंच कच्ची हल्दी को ग्रेट कर लेंगे, और अगर हल्की सी कुछ हल्दी होती है ऐसी टाइट होती है तो उसको आप जो अदरक वाला है उसे क्रश करके फिर उसको आप स्ट्रेन करके जो रस निकलेगा उसे 1.5 चम्मच दही में मिक्स करके आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और 15 मिनट्स के लिए आपको एकदम लीव कर देना है, उसे छोड़ देना है, भूल जाना है बिल्कुल। उसके बाद आपको अपने हाथ जो है वो वेट करके धीरे धीरे रब करते हुए उसे रिमूव करना है। गाइज टेलिंग यू, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है आपकी स्किन के लिए और बहुत ही जल्द आपके फेस के ग्लो को ये वापस ले आएगा। और आपको ये पैक जो है 7 डेज तक रेगुलरली लगाना है, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप कहो कि आपने ऐसे बोला था मैंने वैसे किया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको डेली ये लगाना है, कोई हार्म नहीं है इससे आपके स्किन को। बस यस आपको क्वांटिटी हल्दी की एकदम याद रखनी है।
तो गाइज मैं दही के बेनिफिट्स आप सबको बता देती हूँ। दही हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ये रिंगल्स को फाइट करता है। अगर आपकी स्किन में सनबर्न है जिसकी वजह से आपके फेस का ग्लो खत्म हो गया है तो उसको भी ठीक करता है, और इसके साथ ही साथ आपके स्किन में जो एक्ने हो रहा है उसके अगेंस्ट भी फाइट करता है और आपके मॉइस्चर को लॉक करता है। तो दही बहुत ही अच्छा है आपके स्किन के लिए, और हल्दी और दही का कॉम्बिनेशन श्योरली आपके स्किन पर ग्लो लाएगा। तो सेकेंड फेस मास्क की तरफ चलते हैं। तो वो फेस मास्क है क्लीनिंग एक्ने फेस मास्क, जिनको भी एक्ने प्रॉब्लम्स है ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। तो हम लेंगे हल्दी और उसके साथ हम लेंगे हनी। हनी भी आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लेंगे एक चम्मच हनी और उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाएंगे, और अगर आप कच्ची हल्दी ले रहे हो तो आप उसे ग्रेट करके उसका रस निकाल कर हनी के साथ मिला सकते हो। तो इन दोनों को मिक्स करके हमें अच्छे से अपने फेस पे लगाना है 20 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से अपना मुंह धुलना है गाइस। नॉर्मल पानी आपको यूज़ नहीं करना, एकदम लाइट गर्म हो पानी, ल्यूक वार्म वाटर हो, उससे अपने फेस में जो ये पैक है इसको रिमूव करेंगे। और फिर आपको क्या करना है, ये पैक भी आपको डेली ही लगाना है, आप रात में भी लगा सकते हो सोते टाइम, क्योंकि सोते टाइम जो वक्त होता है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो रात भर हमारी स्किन हील करती है। आप जो भी अप्लाई करोगे वो रात में बेस्ट होता है। तो यस, आप ये पैक यूज़ कर सकते हो सोने से पहले, और हल्के गुनगुने पानी से अपना मुँह धुलकर आप अच्छे से सो सकते हो। तो हनी के बेनिफिट्स मैं आप सबको बता देती हूँ। हनी हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एज वी ऑल नो, हनी हमें डाइट में शामिल करने के लिए भी कहा जाता है कि आप अगर हनी को यूज़ करेंगे तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ ये एक्ने के लिए इसलिए बेस्ट है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो हनी का यूज़ अगर हम करेंगे हल्दी के साथ तो इट विल वर्क वंडर्स फॉर योर एक्ने। तो प्लीज़ ये पैक लगाइएगा और मुझे इसके रिजल्ट ज़रूर बताइएगा। तो हमारा थर्ड फेस पैक है डार्क स्पॉट फेस पैक। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे हल्दी और एलोवेरा। एलोवेरा बहुत ही अच्छा होता है डार्क स्पॉट्स हटाने के लिए। अगर आप खाली एलोवेरा भी यूज़ करोगे अपने फेस पे तो वो भी अच्छा है, बट अगर आप हल्दी उसके साथ लगा लोगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो बहुत अच्छा है, आप उसे जेल निकाल कर 1 चम्मच जेल निकाल लो, और हल्दी एज यूजल जैसे मैं बता रही हूँ 2-3 पिंच, या तो 1 पिंच ग्रेट करके आप उसका रस उसमें मिक्स करके लगा सकते हो। अदरवाइज अगर प्लांट नहीं है तब मैं सजेस्ट करूँगी कि आप जो है जो कोई भी एलोवेरा आप यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा जेल जो किसी भी ब्रांड का आ रहा है, पतंजलि या कोई भी आप यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो उसे आपको 1 स्पून लेना है और उसमें हल्दी मिक्स करके अपने फेस पे लगाना है, 15 मिनट्स के लिए लगाना है। उसके बाद हल्के ठंडे पानी से आपको अपना फेस वॉश कर लेना है, ये भी आपको डेली लगाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे आपके सारे डार्क स्पॉट्स कम होने लगेंगे, और ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है गाइस, एलोवेरा आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एलोवेरा के बेनिफिट्स की मैं क्या ही बात करूँ, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन है इसमें A, B, C and E, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके साथ ही आपके स्किन के मॉइस्चर को लॉक करता है, पिंपल्स के जो भी डार्क स्पॉट है उसको बवाए कर देता है, क्योंकि इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, ये आपके स्किन के पीएच को मेंटेन करता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मिलकर आपके डार्क स्पॉट्स को धीरे धीरे हटा देंगी और आपके फेस पे ग्लो भी लाएंगी। हमारा फोर्थ फेस पैक है टैन रिमूवल फेस पैक। तो इसमें हमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे अपना बेस इंग्रेडिएंट जो कि है हल्दी, 2-3 पिंच हल्दी लेंगे, या तो 1 चम्मच हल्दी का रस लेंगे। उसके साथ हम ऐड करेंगे 1 स्पून मिल्क पाउडर, बहुत ही आसानी से मिल जाता है किसी भी स्टोर में, किराना स्टोर में। फिर हम लेंगे 2 चम्मच हनी प्लस 1/2 चम्मच नींबू का रस, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर इसे हमें अपने चेहरे पर अप्लाई कर लेना है जब तक पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए हमारा फेस। जब एक तरह से पूरी तरह से ये ड्राई हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, हाथ में लेंगे थोड़ा सा गुलाब जल और पूरे स्किन पर अच्छे से लगाएंगे, और उसी से हमें अपना ये पैक रिमूव करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे भी करके अच्छे से रिमूव कर सकते हो। उसके बाद हल्के ठंडे पानी से आपको अपना मुंह धुल लेना है। तो इससे क्या है ना, आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे अगर आप इसे यूज़ करोगे ना जैसे मैंने बताया है, आपकी जितनी भी टैनिंग है वो हटे जाएंगी, क्योंकि उसमें सारे पावरफुल इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, हल्दी पड़ा हुआ है, हनी पड़ा हुआ है, नींबू का रस, ये तो डार्क स्पॉट्स को एकदम
एकदम हटा देता है, टैन को हटा देता है। ये सारी चीज़ें मिलके बहुत ही अच्छा फेस पैक बन जाएंगे आपके स्किन के लिए। अगर आपको टैनिंग है तो मस्ट ट्राई दिस पैक। तो ये रहे मेरे चारों फेस पैक, नेचुरल रेमेडी है, बहुत ही अच्छी चीज़ें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज क्या है ना कि स्किन हम सबकी अलग अलग होती है, तो कुछ लोगों को 7 डेज में फ़र्क दिखेगा, कुछ लोगों को 15 डेज में। तो आप ये मत सोचो आप रोज़ यूज़ करोगे तो आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, ये कोई भी कॉस्मेटिक नहीं है, ये एकदम नेचुरल है। तो आप बिल्कुल भी इससे घबराइएगा मत, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ कुछ लोगों को हल्दी नहीं ज़्यादा सूट करती तो आप कम हल्दी डालिएगा, अगर आपको हल्दी नहीं सूट करती है तो आप हल्दी का रस भी लगा सकते हो, कच्ची हल्दी वाला। तो आप पाउडर हल्दी मत यूज़ करना क्योंकि वो बाज़ार की है। तो यस, अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये जो बेल आइकन है इसे हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी से मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी और आप जल्दी से मेरा वीडियो ओपन करके देख सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।